लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। यह बात उन कैदियों पर सटीक साबित होती है दिनों में एक छोटे से लम्हे में अपने गुस्से पर काबू नहीं पाया और एक बड़ा गुनाह कर दिया। उस गुनाह की कई वर्षों तक सजा पाई, अब जाकर रिहा हो रहे हैं। इंदौर के सेंट्रल जेल में मनाया जा रहे आज़ादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव के साथ ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 42 कैदियों को रिहा किया गया। सोमवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सेंट्रल जेल इंदौर में लगभग 42 बंदियों को रिहा किया गया। सेंट्रल जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने तिरंगे को सलामी देने के बाद बंदियों को रिहाई की शुभकामनाएं देते हुए बताया कि अच्छा आचरण के चलते कई बंदियों को रिहा किया गया है। अपेक्षा रहेगी कि आगे समाज के लिए अच्छा काम करे और आने वाली पीढ़ियों को अच्छी शिक्षा दे। इस मौके पर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में जेल चौक में देशभक्ति के गीत भी गाए गए। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सबकी तरफ से पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि शासन की मंशा और उनके आदेश अनुसार आज केंद्रीय जेल इंदौर से 37 बंदी जो है आजीवन कारावास के, वो अपनी सजा पूर्ण कर और शासन से विशेष परिहार प्राप्त करके आज यहां से छूट रहे हैं। इसमें 36 पुरुष हैं और एक महिला बंदी है। इसके अतिरिक्त आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के तहत जो छोटी धाराओं के सजा के हैं, ऐसे 5 लोग और छूट रहे हैं। तो कुल 42 लोग आज हमारी जेल से छूट करके अपने परिवार के बीच जाएंगे।